7 सितंबर से मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी। दिल्ली में 7 सितंबर से मेट्रो का सफर आप कर सकेंगे। फेज वन में 7 सितंबर से येलो लाइन की शुरुआत होगी। फेज दो में 9 सितंबर से ब्लू, पिंक और गुरुग्राम लाइन चलेगी। 12 सितंबर से पूरी तरह सिस्टम में सब कुछ ट्रैक पर आ जाएगा। कंटेनमेंट जोन में मेट्रो के जो दरवाजे हैं, एग्जिट और एंट्री पॉइंट हैं, वो बंद रहेंगे। स्मार्टफोन में आपके आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है, और अगर मास्क नहीं है आपके पास तब भी आप स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहां से भी आप मास्क खरीद सकते हैं। टिकट का टोकन मिलेगा, ज्यादा जोर कैशलेस पर होगा। हर दिन मेट्रो को सैनिटाइज किया जाएगा। मोनोरेल और मुंबई मेट्रो अक्टूबर 2020 से चलेंगी, वो अभी सितंबर में शुरू नहीं होंगी। थर्मल स्कैनिंग के बाद ही आपको मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करने की इजाजत होगी। 7 सितंबर से तैयारी हो चुकी है। दो फेजेस में दिल्ली मेट्रो की शुरुआत, एक जो फर्स्ट फेज है वो 7 सितंबर से और सेकंड फेज में 9 सितंबर से, जिसमें ब्लू लाइन है, पिंक लाइन है और गुरुग्राम वाली जो लाइन है उसका संचालन होगा। तो मेट्रो का इंतजार सभी को था, क्योंकि मेट्रो लाइफलाइन है। अगर आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो लोग मेट्रो का अधिकतर इस्तेमाल करते थे, लेकिन कोरोना संकट की वजह से मेट्रो पर लगा बैन। लेकिन 5 महीने बाद अब मेट्रो का सफर एक बार फिर से शुरू होने वाला है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ललित नारायण कांडपाल हमारे सहयोगी हमारे साथ। ललित, सभी को इंतजार था मेट्रो के शुरू होने का। मेट्रो शुरू होगी, फेज वाइज शुरू होगी, पूरी सावधानी के साथ शुरू होगी, सरकार की बड़ी तैयारियां। बिल्कुल आपने ठीक कहा पूजा, कि सरकार ने तो अपने स्तर पर तैयारियां की हैं और जिस चीज़ का इंतज़ार सभी लोगों को हो रहा था कि आखिर कब से मेट्रो की सुविधा उनको मिल पाएगी, तो उन तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो ने साफ कर दिया है कि 7 तारीख से वो अपनी सेवाएं देना शुरू कर देंगे, और पहले चरण में यानी कि 7 तारीख को अगर देखा जाए तो हुड्डा सिटी सेंटर से जो समयपुर बादली के लिए ट्रेन चलती है, जिसे येलो लाइन कहा जाता है और लाइन 2 इसे टेक्निकल भाषा में कहा जाता है, तो ये वाली ट्रेन जो है सबसे पहले 7 तारीख को ये वाली ट्रेन चलेगी। उसके बाद 9 तारीख को, जो 9 तारीख के लिए तय तारीख की गई है उसमें लाइन जो 3 और 4 है, यानी कि जो ब्लू लाइन है और जो उसके अलावा नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से जो नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से द्वारका जाती है और जो वैशाली से द्वारका जाती है, वो वाली लाइन जो है 9 तारीख को शुरू होगी। और इसके बाद जो 10 तारीख को भी एक ट्रेन शुरू होने जा रही है, इसमें लाइन 1 जो कि रेड लाइन है, लाइन 5 और लाइन 6, ये 3 जो लाइनें हैं ये शुरू होने जा रही हैं 10 तारीख को। लेकिन इन तीनों को, यानी कि 7 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख में जो ट्रेनें शुरू होंगी पूजा, इसको स्टेज 1 नाम दिया गया है। और इन स्टेज 1 में 4 घंटे मेट्रो चलेगी, 4 घंटे सुबह चलेगी यानी कि 7 बजे से 11 बजे तक, और शाम को चलेगी 4 बजे से लेके 8 बजे तक। ये जो फेज़ 1 है ये 10 तारीख तक चलेगा। उसके बाद दिल्ली मेट्रो का फेज़ 2 शुरू हो जाएगा, जो कि 11 सितंबर को इसमें एक लाइन और खुल जाएगी, यानी कि वो मैजेंटा लाइन होगी, जो कि जनकपुरी वेस्ट से बोटैनिकल गार्डन आती है, ये लाइन भी खुल जाएगी उस दिन से। लेकिन उस दिन से एक बदलाव और ये होगा कि जो मेट्रो अब तक 4 घंटे चल रही थी अब वो 6 घंटे चला करेगी, यानी कि 11 तारीख से मेट्रो 6 घंटे चलेगी। इसके बाद जो फेज़ 3 आएगा, यानी कि 12 तारीख जब आएगी, तो 12 तारीख से मेट्रो पूरे अपने सुबह जो 5:30-6 बजे का जो समय है मेट्रो का, 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक का, उसके हिसाब से चलने लग जाएगी। और 12 ही तारीख से एयरपोर्ट मेट्रो भी शुरू हो जाएगी, और इसके अलावा जो टाइमिंग है वो सारे जो ट्रेन्स हैं उनमें लागू हो जाएगी, यानी कि 12 तारीख से ये होगा कि मेट्रो का संचालन पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये है कि लोगों के लिए किस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। साफ तौर पर कह दिया गया है कि फिलहाल किसी भी तरह का कैश ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ना आपको टोकन दिया जाएगा और ना ही आपके कार्ड को टॉपअप किया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है, आपको उसे इंटरनेट के जरिए या फिर ऐप्स के जरिए, कई तरह के जो ऐप्स हैं उनके जरिए उसको टॉपअप करना होगा, उसी में रिचार्ज वैल्यू डालनी होगी। लेकिन कहीं पर भी किसी भी तरह का इंसानी संपर्क जो है मेट्रो कर्मियों से दूसरे सवारी के बीच में किसी भी तरह का संपर्क नहीं होगा।
एक बात और भी कही गई है कि अभी तक मेट्रो की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 से 3.5 मिनट की है, लेकिन अब क्योंकि जब कभी भी मेट्रो एक फेरा पूरा करके अपने टर्मिनल पर पहुंचेगी, यानी कि समझ लीजिए अगर द्वारका से मेट्रो चलती है और वो नोएडा सिटी सेंटर तक जाती है, तो नोएडा सिटी सेंटर जाने के बाद मेट्रो को पूरी तरह से डिसइन्फेक्ट किया जाएगा। वहाँ पर उसको उसके लिए प्रॉपर मैन पावर का इंतज़ाम किया गया है, मशीनरीज का इंतज़ाम किया गया है। मेट्रो की कोशिश है कि कम से कम समय में वो डिसइन्फेक्शन का काम पूरा किया जाए, तो इसलिए तकरीबन 4 से 5 मिनट का मेट्रो मान के चल रही है कि हो सकता है एक ट्रेन को डिसइन्फेक्शन करने में 5 मिनट लगे। तो इसलिए जो फ्रीक्वेंसी है मेट्रो की, वो मेट्रो की जो फ्रीक्वेंसी है वो तकरीबन 5 से 7 मिनट तक जा सकती है, यानी कि आपको हर ट्रेन के लिए 7 मिनट का इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो जी पूजा, बिल्कुल तैयारियां बहुत अच्छी हैं सरकार की। लोगों की क्या तैयारियां होनी चाहिए, निर्देश क्या सरकार की ओर से, किन किन व्यवस्थाओं के साथ, किन किन तैयारियों के साथ आपको स्टेशन पहुंचना है? देखिए, सबसे पहली तैयारी तो मैं ये कहूँगा कि जो भी लोग मेट्रो में सफ़र करना चाह रहे हैं और जिनके लिए मेट्रो का सफ़र एक तरह से बहुत ज़रूरी है, उन सबको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। मास्क पहनना, सैनिटाइजर लगाना, ये सारे काम बात के हैं, लेकिन सबसे पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। इस बात को लेके तय करना पड़ेगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं मेट्रो में, अगर आपका कहीं पर भी कोई व्यवहार ऐसा रहता है जो सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ता है, जो इस कोरोना काल में इस बीमारी को बढ़ाने के लिए एक तरह से परिस्थितियों को पैदा करता है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप इसका मतलब ये नहीं चाह रहे हैं कि मेट्रो का संचालन चले, क्योंकि आज साफ तौर पर कह दिया गया है शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से कि अगर कहीं से भी किसी ऐसी तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, क्राउड इकट्ठा हो रहा है, सही तरीके से नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे में केंद्र सरकार अपने इस फैसले पर दोबारा विचार कर सकती है, यानी कि मेट्रो को बंद करने का एक बार फिर से फैसला किया जा सकता है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि मेट्रो में जो भी लोग सफ़र करें वो पूरी जिम्मेदारी के साथ सफ़र करें, मास्क पहन के जाएं और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मेट्रो के एक एक समस्या ये होती है कि मेट्रो के गेट्स जल्दी जल्दी बंद हो जाते हैं, तो उस समस्या के लिए भी मेट्रो की तरफ से कहा गया है कि प्रॉपर समय दिया जाएगा यात्रियों को ताकि भगदड़ ना मचे, और इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए मेट्रो ने भी तैयारी की है, और आम लोग भी अगर तैयारी करके चलेंगे बिल्कुल तो निश्चित तौर पर इसको सफलतापूर्वक चलाया जा बिल्कुल सकेगा। सरकार भी चूंकि सहूलियत देना चाहती है लेकिन आपकी सुरक्षा को ताक पर रखकर नहीं, ऐसे में ये भी जरूरी है कि हम लोग भी समझें, अगर प्रॉपर मार्किंग की गई है स्टेशन पर तो उन मार्किंग का ख्याल रखें, उन मार्किंग को नजरअंदाज ना करें। अगर थर्मल स्कैनिंग के लिए हमें लाइन में लगना है तो उसमें किसी भी तरह की नाराजगी या फिर जल्दबाजी ना दिखाएं, पूरा सहयोग करना हमारी भी प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल, एक सभ्य समाज की तरह पेश आने की आवश्यकता है इस वक्त, क्योंकि जब मेट्रो खुल रही है और 4-4 घंटे के लिए खुल रही है, तो ऐसे में इस बात की संभावना काफ़ी है कि कई जगहों पर उसके लिए कियोस्क देखा जा सके, कई लोग क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि सुबह के वक्त में और शाम के वक्त में ऑफिस जाने वालों की काफ़ी भीड़ होती है, तो ऐसे में मेट्रो सुचारू रूप से चले इसके लिए ज़रूरी इस बात का है कि मेट्रो में सही तरीके के नियमों का पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका ललित नारायण कानपाल। अहम खबर ये कि 7 सितंबर से शुरुआत हो रही है मेट्रो की, तैयारियां सरकार की भी हैं, हम भी बार बार अपील कर रहे हैं लोगों से कि वो एहतियात बरतें और पूरी सावधानी के साथ ही इस सफर को सुगम और सुरक्षित बनाने में सभी लोग योगदान दें। बहुत शुक्रिया आपका ललित नारायण कानपाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए।